ये है दिल्ली दर्पण। नब्बे प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनको डायबिटीज नहीं है। डायबिटीज के बिना ही इंसुलिन के इंजेक्शन डायबिटीज के ले रहे हैं। डायबिटीज का जो इलाज है ये आपके औषधालय में नहीं, आपके भोजनालय में है। डायबिटीज आने वाली पीढ़ी के लिए एक सपना हो जाएगा। भारत में 90% लोग ऐसे हैं जिन्हें डायबिटीज नहीं है, लेकिन वे वर्षों से दवा ले रहे हैं। डायबिटीज का इलाज औषधालय में नहीं बल्कि आपके भोजनालय में है। आने वाली पीढ़ी के लिए ये शब्द गुजरे जमाने की बात हो जाएगी। देश के जाने माने डायबिटीज विशेषज्ञ अनुसंधानकर्ता डॉक्टर एस कुमार के ये दावे चौंकाने वाले ही नहीं बल्कि देश भर में चर्चा का विषय भी बने हुए हैं। एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी नागपुर के संस्थापक निदेशक डॉक्टर एस कुमार का दावा है कि देश भर में उनके 50 से ज्यादा डाइट थेरेपी सेंटर कई वर्षों से चल रहे हैं, लेकिन उन्हें आज तक एक भी मरीज डायबिटीज का नहीं मिला। दुनिया भर में डायबिटीज का हवा फैलाया जा रहा है कि भारत दुनिया में डायबिटीज की राजधानी बन रहा है, लेकिन हकीकत तो यह है कि भारत में डायबिटीज है ही नहीं। बस लोगों के शुगर लेवल को बढ़ने को डायबिटीज मान लिया जाता है। नियमित दिनचर्या और उचित खानपान और लाइफस्टाइल सही करने से शुगर लेवल को सही किया जा सकता है। इसके निचोड़ पे आप इस पे आते हैं कि आपको डायबिटीज है या नहीं। अगर सी पेप्टाइड की टेस्ट 0.8 के नीचे है, इसका मतलब आपकी बॉडी में इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में नहीं बन रही है और आपको इंसुलिन के इंजेक्शन लेना है ताकि शुगर कंट्रोल आए। लेकिन भारत में मैंने ये देखा है कि ये टेस्ट कोई ही नहीं करा रहा। आप तो भारत की बात छोड़िए, मेरे पास पेशेंट यूके से हैं, यूएस से हैं, ताइवान से हैं, यूएई से हैं, कहीं ये टेस्ट नहीं कराए जाते। कई वर्षों से डायबिटीज पर रिसर्च कर रहे डॉक्टर एस कुमार का कहना है कि सब डायबिटीज के बढ़ते खतरे का ये डर केवल एलोपैथी में है, जबकि डायबिटीज में एलोपैथिक दवाओं का सेवन घातक और नुकसानदायक है। इन दवाओं से उन्होंने मरीजों के अंगों को नुकसान होने का अंदेशा जताया है। डॉक्टर एस कुमार अपने दावों के साथ पूरे तर्क देते हैं और प्रामाणिकता के साथ दावा करते हैं। भारत में उनके अनुसंधान और उपलब्धियों पर उन्हें फ्रांस से भारत गौरव पुरस्कार भी मिल चुका है। उन्होंने दावा किया कि डायबिटीज का इलाज औषधालय नहीं बल्कि भोजनालय में है। इस चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता आदमी के पास खुद ही है। वे आसान भाषा में भी डायबिटीज की वजह और उसका इलाज बताते हैं। तो शुगर बनने के बाद उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए। यूटिलाइजेशन नहीं होता है कारण क्योंकि जब तेल हम देखते हैं, बहुत सारे ऐसे तेल हैं जिसको गर्म करने के बाद धुआं आता है। इस धुएं को ऑर्डिनरी धुआं मत समझिए आप लोग। ये जो है, जो फैटी एसिड्स हैं, दे गेट्स कन्वर्टेड इनटू ट्रांस फैटी एसिड्स, और ट्रांस फैटी एसिड इज वन ऑफ द बेसिक रीजन फॉर डायबिटीज। क्योंकि शुगर जो हमारे सेलुलर स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर एक तरह की परत बन जाती है जिसको प्लास्टिक की परत बोलेंगे हम लोग। तो ऐसे समय में अगर शुगर वहाँ जाएगी तो अंदर नहीं घुसती है कोशिकाओं में, वो बड़ी होती है और उसको एग्जैक्टली आप डायबिटीज का नाम दे रहे हैं। जैसे लेकिन मैंने पहले आपको बताया कि बढ़ी हुई शक्कर का स्तर ये कभी घोषित नहीं करता कि आपको डायबिटीज है। देश और दुनिया भर में एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर से हजारों लोग डायबिटीज के चक्रव्यूह से निकल चुके हैं। डाइट थेरेपी की डायरेक्टर भाग्यश्री ने कई मरीजों के अविस्मरणीय अनुभव को मीडिया के साथ साझा किया। जिन्हें डॉक्टर ने बोला था कि आपको एम्पुटेशन कराना पड़ेगा एंड उनको डायबिटीज बताई गई थी कि उनको 25 ईयर्स से डायबिटीज है, जिसमें वो इंसुलिन ले रहे थे। फिर जब वो किसी एयरपोर्ट या कहीं तो थे तो उन्हें कहाँ से पता चला हमारे थेरेपी के बारे में, अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी के बारे में। उन्होंने हमको संपर्क किया और वो हमारे दिल्ली सेंटर में आए थे। तो जब हमारे उनकी रिपोर्ट्स देखी तो उन्हें तो डायबिटीज थी ही नहीं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में 422 मिलियन लोग शुगर के शिकार हैं और भारत में भी इनकी संख्या करोड़ों में है। लेकिन डॉक्टर कुमार का दावा है
कि 90% केवल भ्रम में गलत इलाज करा रहे हैं। शुगर अनियमित और गलत खानपान से उपजा हुआ रोग है, जिसके लिए इंजेक्शन के रूप में इंसुलिन लेना गलत है। उनका दावा है कि डाइट थेरेपी के माध्यम से डायबिटीज का इलाज रामबाण सिद्ध हो रहा है। उनका दावा है कि टीबी, पोलियो, टाइफाइड और मलेरिया हवा नहीं रहा तो डायबिटीज का भी नहीं रहेगा। और वो दिन भी दूर नहीं जब हम सब कह सकेंगे डायबिटीज अलविदा अलविदा डायबिटीज। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी।